राजनीति करना वो चाहते हैं स्पष्ट राय नहीं है, लेकिन आप जिस लाविया इलाही स्पष्ट राय नहीं है, रुक जाइए रुक जाइए। लाविया इलाही, क्या तीन तलाक पर कानून के बाद ये सबसे बड़ा कदम होगा जेंडर इक्वलिटी के लिहाज से मुस्लिम महिलाओं के लिए? जी बिल्कुल राकेश भाई, मैं तो बहुत खुश हुई आज मैंने ये खबर सुना, और इससे पहले भी मैं सुन रही थी। 4 साल से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मेरा PIL लगा हुआ है पॉलीगेमी और हलाला को बैन करने के लिए। जिस तरह से 2015 में मैंने ट्रिपल तलाक को बैन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैंने अपना पिटिशन डाला था और एक बेंचमार्क जजमेंट आया, फिर पार्लियामेंट में उस पर एक बजाबते सेक्शन आए, एक पनिशमेंट फिक्स हुई है, तो उसी तरीके से पॉलीगेमी और हलाला पर भी मेरी पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेरे पिटिशन को सुन करके और बहुत अच्छा निर्णय लेकर के, और उससे भी पार्लियामेंट के अंदर एक वैसा ही कानून बनेगा और पनिशमेंट मुकर्रर होगी। देखिए कि मुसलमान मर्द के की जो गुट है ये कभी भी, अभी आर्टिकल 25 के बारे में कितना बोल रही है, मतलब चिल्ला चिल्ला के हम बोलेंगे हमको आर्टिकल 25 पसंद है, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच पसंद है, पर वही आर्टिकल 44 नहीं पसंद है क्योंकि वो एक कानून की बात करता है। उसी संविधान में वो चीजें पसंद है जिसको ये ट्विस्ट कर सकते हैं, जो जिनको ये फ्लेक्सिबल कर सकते हैं उसी में, लेकिन इनको आर्टिकल 44 नहीं पसंद आता है, जेंडर इक्वालिटी नहीं पसंद आता है, वुमेन्स की फ्रीडम नहीं पसंद आती है। देखिए राकेश भाई, इनको चुप हो जाओ, तहजीब को मुझे पता है कि मुसलमान मर्द को तहजीब नहीं है, मैं जानती हूँ और मैं बहुत खरा बोलती हूँ। देखिए राकेश भाई, इन लोगों को धरती पर जवाब सुन लीजिए, लाविया इलाही को सुन लीजिए पहले, उसके बाद जवाब दीजिएगा। नहीं नहीं, लाविया को कंप्लीट करने दीजिए ना, बीच में नहीं बोलिए। लाविया की बात की हद हो गई कि मुसलमानों को हम जानते हैं कि बोलने की तमीज नहीं, तो रुक जाइए ना, बोलने बोलने दीजिए, कोई किसी को तमीज नहीं सिखाएगा। नहीं नहीं, यहाँ कोई किसी को तमीज नहीं सिखाएगा, इसके लिए नहीं तो इसके लिए नहीं डिबेट में बुलाते हैं, तो एक दूसरे के बीच में बोलना भी सही तरीका नहीं है। अभी सिर्फ नाजिया की आवाज आने जा रही है, जवाब रुक जाइए, नाजिया अपनी बात पूरी करिए। देखिए इनको धरती पर 4 चाहिए सेक्स टॉय, आसमान पर चाहिए 72 वर्जिन हूर का मजा, और उसके बाद निकाह मुत्ता के नाम पर 1 घंटा 1 दिन 1 महीने का भी इन लोगों को सेक्सुअल डिजायर निकालने के लिए इन लोगों का निकाह मुत्ता चाहिए। हर एक बात पर इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है, हर एक बात पे नारे तकबीर उठ जाता है, हर एक बात पर इन लोगों को इस्लाम का एकदम दमका पीटना होता है। शरिया के नाम पर औरतों को आज से नहीं, जिन्ना और ब्रिटिश के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ पर आज तक हिंदुस्तान के मुसलमान चल रहे हैं, आज तक 2023 तक 1937 जिन्ना ने बनाया था। रेड लाइट एरियाज को भी रोकिए मैडम, फिर जो जगह जगह चल रहे हिंदुस्तान में उसके खिलाफ आवाज उठाइए। सुनिए मुझे 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 कमजोर मत समझिए, कमजोर नहीं समझ रहे, मतलब ये नहीं कमजोर नहीं समझ रहे, लेकिन जब आप बात कर रही हैं तो फिर एक मिनट रुक जाइए, एक करके सभी एक साथ नहीं बोलेंगे, रुक जाइए नाजिया एक मिनट, अंबर एक मिनट, रेलवे भाई जिस मुद्दे पर डिबेट हो रही है उसी पर रहिए।